स्वागत है दोस्तों मेरी नई वीडियो में। जब इतने सारे टमाटर लगे हो तो उसका करे क्या, चलो भी आज कुछ बनाते हैं। तो फिर मैं हो गई रेडी, मैंने निकाले थोड़े ढेर सारे टमाटर एंड देख सकते हैं कितने सारे टमाटर तोड़े। तो इनको मैंने अच्छे से कर लिया वॉश। अब मैंने सोचा कि चलिए आज मेरी फेवरेट टमाटर की खट्टी सब्जी बनाई जाए। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर को करने लगी चॉप। सॉरी, यहाँ चॉप करने में मैं थोड़ी सी मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बहुत ही अजीब तरीके से कट कर रही थी। आई नो मुझे नहीं है, नहीं होता है मेरे से इस तरह से काटना, पर क्योंकि ये इतने जूसी थे एंड रस छोड़ रहे थे, जैसे तैसे ज़्यादा पके थे तो काटने में दिक्कत हो रहा था। तो इतने सारे टमाटर मैंने कट करके रख लिए। उसके बाद लहसुन प्याज हरी मिर्च ले ली मैंने, इनको भी कट करना स्टार्ट किया। लहसुन को मुझे बारीक काटना था, मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी काटूँ बट हो नहीं रहा था। जैसे तैसे करके मैंने लहसुन काटने स्टार्ट किए, बट देखो ना हाथ में आ ही नहीं रही है कोई, हाथों में ले रही हूँ तो हाथों से ही चले जा रहे हैं। मैं सोचती इससे अच्छा मैं इन्हें कूट लेती तो ज़्यादा बेटर होता, पर मुझे कूट के नहीं चाहिए था ना, मुझे चाहिए था कि मैं लहसुन को बस इसी तरह से कट करके बारीक तरीके से रख लूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे तैसे काटने के बाद मैंने ले लिया प्याज। प्याज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से काटा, चलो मैं इसमें खुद को वेरी गुड कहना चाहूँगी क्योंकि प्याज मैंने अच्छे से कट कर लिया। उसके बाद बारी आती है हरी मिर्च की, तो हरी मिर्च भी मैंने यहाँ पे कट कर ली थी। वैसे मैं मिर्च बिल्कुल नहीं काटती हूँ हाथों से, मुझे मिर्ची पता नहीं बहुत ज़्यादा लगती है, पर जैसे तैसे चॉपिंग बोर्ड के सहारे मैंने मिर्ची काट ली। एंड यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया था हरी मिर्च लहसुन प्याज और टमाटर बारीक चॉप करके अच्छे से। अब रहती थी तड़के की बारी। जब मैं गई धनिया पत्ता लाने के लिए, इतने में मैंने आके देखा पापा ने तड़का मार दिया था। ये तो और अच्छा हुआ क्योंकि पापा बहुत टेस्टी बनाते हैं। जब इतना अच्छा उबाल आ रहा था तो मैं धनिया पत्ता लाके दो के अच्छे से कट करके डाल दिया इसमें, एंड जो इसकी फ्रेग्रेंस थी बहुत ही अच्छी थी। एंड फाइनल जो लुक आया, ये मेरी फेवरेट सब्जी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो घर में कभी, बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली इसको चावल के साथ खाने में मज़े आते हैं।